हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनबॉक्सिंग बॉय। आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे किसी अच्छी सेल का जिसके अंदर मोबाइल के अंदर कोई अच्छे डिस्काउंट मिल जाए। तो जो लोग आईफोन लेना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है, फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे सेल अनाउंस हो चुकी है। तो अब ये लाइव होने वाली है 23 तारीख से 24 तारीख के बीच में अमेज़ोन की डेट, और 23 से 27 के बीच में फ्लिपकार्ट की सेल आने वाली है। प्राइस भी रिवील हो चुके हैं। आइए चलिए जानते हैं किस आईफोन पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, क्या क्या बेस्ट डील हो सकती है, क्या आपको फ़ोन इस सेल में लेना भी चाहिए या नहीं, जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं महीने की लास्ट में आने वाली सेल की जो फ्लिपकार्ट पे आती है। इस बार इनका डिस्काउंट जो है आईफोन 12 पे देने वाले हैं। आईफोन 12 सीरीज इनकी मेन फोकस है। बात कर लेते हैं आईफोन के बेस वेरियंट की जो 64 GB में आता है, उसकी प्राइस रखी है इन्होंने 51,999 रुपीज़, यानी 52,000 रुपये का अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है। और साथ के साथ इसका जो 128 GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस देखने के मिल रहा है 56,999 रुपीज़, यानी 57,000 रुपये का। तो जो अभी इन्होंने प्राइस लिस्टिंग करी है, 51,000 रुपये का आपको आईफोन देखने के लिए मिलेगा और 56,000 रुपये का फ़ोन आपको 128 GB देखने के लिए मिल सकता है। तो देखते हैं आगे क्या डिस्काउंट रहने वाला है। अभी जो इन्होंने प्राइस डाली है ये फाइनल प्राइस नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि जब ये सेल आती है तो उसके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देखने के लिए मिलते हैं। जैसा कि कुछ कार्ड ऑफर लगा लेते हैं, कुछ बैंक ऑफर लगा के आपको डिस्काउंट मिल जाता है, कुछ एक्सचेंज ऑफर भी आते हैं। तो अकॉर्डिंग अगर मेरा अंदाज़ा माने तो आईफोन 12 आपको मोबाइल डिस्काउंट के बाद और कार्ड के डिस्काउंट के बाद 45,000 रुपीज़ में देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये बात, अगर कार्ड का कुछ ऑफर आया तो हो सकता है 2,000 रुपये और माइनस हो जाए, तो आपको आईफोन 12 50,000 रुपीज़ में देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करें आईफोन 11 सीरीज़ की, आईफोन SE सीरीज़ की, तो आईफोन 11 सीरीज़ और SE सीरीज़ में भी आपको डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कोई इतना मेजर डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इनका मेन फोकस है आईफोन 12 सीरीज़। iPhone 11 की बात करें तो iPhone के 11 के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा 45,000 से लेकर 40,000 रुपीज़ में ये मोबाइल जा सकता है, और हो सकता है कार्ड के ऑफर लगे तो 38,000 रुपीज़ में आपको iPhone 11 मिल जाए। ये बात हो गई Flipkart डे सेल की। Flipkart के अंदर आपको और भी ब्रांड के ऊपर ऑफर मिलने वाले हैं, जैसे कि Oppo, Vivo, Realme, Xiaomi। इसमें से अगर आप कोई फ़ोन बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं, लेकिन हमने वीडियो बनाई है मेन फोकस रखा है आईफोन के लिए। तो अब बात करते हैं हम अपनी अगली सेल की, जो है हमारी अमेज़ॉन प्राइम डे सेल। ये सेल सिर्फ 2 दिन चलने वाली है, जो कि प्राइम मेंबर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगी, क्योंकि इसके अंदर आपको आईफोन 13 के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर बात करें अभी की फ़िलहाल की प्राइस की, तो फ़िलहाल प्राइस शो हो रही है 68,999 रुपीज़, यानी 69,000 रुपये, और बाकी सेल के टाइम पे इसकी प्राइस 1-2 हज़ार रुपये और कम होगी, तो आपको ये फ़ोन 64,000-63,000 के आसपास भी देखने के लिए मिल सकता है। बात करें कार्ड ऑफ़र की, तो कार्ड ऑफ़र इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा आपको ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और जो iPhone 13 Pro है उसके अंदर आपको 9,000 रुपीज़ का डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन वो 1 लाख के ऊपर पहुँच जाता है। सेल के टाइम हो सकता है 2-4 हज़ार रुपये और कम हो जाए, लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस यही रहेगी कि आपको iPhone 14 का वेट करना चाहिए, क्योंकि iPhone 14 सीरीज़ और 13 सीरीज़ में कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये प्रो मॉडल में ज़्यादा फ़र्क नहीं रखते हैं। 10,000 तक का आपको डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन वही बात करें iPhone 13 की, तो 13 के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है। इधर अगर आपको कुछ ज़्यादा जल्दी है फ़ोन लेने की तो आप इस सेल में बाई कर सकते हैं, वरना अक्टूबर का भी वेट कर सकते हैं। अक्टूबर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे और अच्छे अच्छे प्लान मिल जाते हैं, क्योंकि दिवाली सेल होती है, उसके अंदर आपको फ़ोन काफ़ी कम रेट पे देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, आईफोन 13 की प्राइस जो है 60,000 तक दिवाली सेल पर जा सकती है, 128 GB वेरियंट की। तो ये थी आज की वीडियो। अब जैसे ही इसकी प्राइस घटेगी या बढ़ेगी, जैसे ही सेल पर आएगी, मैं आपको वीडियो बना के फिर से अपडेट कर दूँगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।